Барбер! 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 Барбер, хо, кахай там, Барбер! 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 Ой, я сам Барбер. Карама чинта. Умай чудаса аби тумэ. Ари. Ии дхака кэйса. Хэ не рахай, тут. क्या मैं है मेरे पास भी धागा तेज और मजबूत है जो बना बाल परी के बालों से मुंह काटता अभी मैं इससे धन्यवाद दुबारे भाई। हाँ लेकिन बालवीर हुई कैसे तुम्हारी ये हालत है कहाँ मानव और थी कौन वो पतंग बना जिसने मानव को बंधक दुबारे भाई वो कोई मामूली पतंग नहीं थी बल्कि वो पतंगा परी बहुत ही बुरी और शक्तिशाली है बालवीर और उससे मानव को ही बालवीर कहाँ है आप बालवीर धनी परी मुझे बुला रही हो सकता है उन्हें पतंगा परी के बारे में कुछ अधिक जानकारी मिली डुबा डुबाइक हनी परी मुझे पुकार रही डुबा डुबाइक हमें सबसे पहले परी लोग जाना चाहिए हो सकता है रानी परी हमें पतंगा परी के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देना चाहती है चलो एक पल रुको चलो हमने अपनी गुप्तचर परियों के द्वारा पतंगा परी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है तो जल्दी बताइए रानी परी क्योंकि वो एक के बाद एक सभी बच्चों का अपहरण करती ही जा रही है बालवीर पतंगा वास्तव में एक बुरी परी है जो पतंग लोक में रहती है और पतंग के रूप में वो बच्चों को उड़ाकर ले जाती है लेकिन क्यों और आखिर मकसद क्या है उसका बालवीर पतंगा परी एक मायावी और महाशक्तिशाली मणि चाहती है जिसे वो केवल बच्चों के द्वारा ही प्राप्त कर सकती है और अगर उसे मणि प्राप्त हो गई तो वो सर्वशक्तिमान बन जाएगी नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मुझे उसे रोकना ही होगा और वो भी किसी भी हाल में लेकिन रानी परी मेरा जादू उस पर नहीं चला और वो मेरे सामने से मानव को उठा कर ले गई बालवीर आपका जादू पतंगा परी पर नहीं चलेगा यहाँ तक कि हम में से किसी भी परी का जादू पतंगा परी पर नहीं चल सकता तो रानी परी उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा एक उपाय है क्या माँ जल्दी बताइए जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही पतंगा परी का अंत करने के लिए तुम्हें पतंग बनकर उड़ना होगा उससे पेश लड़ाना होगा और उसे काटना होगा तभी पतंगा परी का अंत हो सकता है तो ठीक है माँ अब मैं पतंग लोक जाऊंगा और पतंगा परी का अंत करके बच्चों को छुड़ाऊंगा अपना ख्याल रखिएगा पतंगा परी की डोर बहुत तेज है जी डरी परी रुकिए बालवीर है पतंग के साथ डोर भी जरूरी इसलिए हूँ मैं भी आना चाहता आपके साथ है मुझे भी पतंग उड़ाने का अच्छा अनुभव शायद कर सकूं मैं भी तुम्हारी कोई मदद तो ठीक चलो डुबा डुबाए चलो Bali.
का मजा, मिल जाएगा उसे मणि और बन जाएंगे ये श्री श्री तोबा तोबा जी प्रधान। और जब चलेगा श्री श्री तोबा तोबा जी का रथ, बाल्मी जी बचाओ मुझे, तब करेंगी सब परिया मुझे प्रणाम और फिर कहूंगा मैं हेटिक खड़े रहो सीधी से। क्यों चिल्ला रहे हो बच्चों? तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बालवीर यहाँ नहीं आने वाला, वो तो फंसा होगा कहीं मेरे जादुई धागों में बंधकर। चला था मुझसे उलझने के लिए और खुद ही उलझ कर रह गया। पतंगा परी, इतना घमंड मत करो, बालवीर आएगा और हम सबको छुड़ा कर भी लेके जाएगा, और याद रखना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, देख लेना। नादान बच्चों, तुम्हें पता नहीं है कि पतंग लोक में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, और अगर गलती से आ भी गया तो वापस नहीं जा सकता। क्या? अब लटके रहो यहीं पे जब तक मुझे और बच्चे नहीं मिल जाते। अब मुझे मणि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, और मैं बन जाऊंगी सर्वशक्तिमान। बालवीर और डूबा डूबा एक आ गए कैसे ये लोग पतंग लोक में? अरे हाँ, नहीं कोई बात, डर क्या पाएगा ये बालवीर परी पतंगा के सामने? आने दो उसे, वो क्या करे परी पतंगा के पास। बच्चों, पतंगा परी ने कितनी बुरी तरह से बच्चों को बंधक बना के रखा है, उसे उसकी इस गलती की सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। आओ बालवीर, आओ बालवीर, आओ बालवीर। तुम आ तो गए हो यार, लेकिन लेकिन वापस नहीं जा पाओ, वापस नहीं जा पाओ, क्योंकि ये पतंग लोक तुम्हारा परी लोक नहीं, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। पतंगा परी, आज तुम्हारा राज समाप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ तुम भी, क्योंकि तुम्हारी पतंग की डोर के साथ साथ तुम्हारी जीवन की डोर भी कट जाएगी। पतंगा की डोर कटती नहीं है, सिर्फ काटती है। परी पतंगा, दिखा दो इस बालवीर को तुम्हारी बुराई की शक्ति, बन जाओ पतंग ताकि उड़ाकर तुम्हें काट सकूं मैं इस बालवीर का घमंड और कर दूं इसका अंत। डुबाए तैयार हो जा। Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.